ये आलू परवल की सब्जी झटपट बनती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे जरूर बनाएं घर में, खुद खाएं और सबको खिलाएं, सबको बहुत पसंद आने वाली है। ये टिफिन के लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है क्योंकि बहुत जल्दी बन भी जाती है और खाने में भी अच्छी लगती है, रोटी पराठे दाल चावल सबके साथ। तो यहाँ मैंने पाव भर पटल लिया है जिसको मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, छील करके इसका ऊपर का स्किन उतार लिया है हल्का सा चाकू की सहायता से। और यहाँ मैंने देखिए दो आलू लिए हैं जिसको मैंने छील करके, छिलका उतार के इसको लंबे लंबे टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है और इसको धो लिया है। यहाँ पे देखिए मैंने दो हरी मिर्च लिए जिसको लंबे लंबे स्लाइसेस कर लिए हैं दो टुकड़ों में। और यहाँ पे मैंने 7-8 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसको मैंने काट लिया है। अब मैं इस तरफ कढ़ाई गर्म की हूँ, इसमें मैंने सरसों तेल ऐड करा है, तो आप भी आप जो तेल खाते हैं आप उसी तेल में बनाएं। तो मैं यहाँ सरसों तेल ऐड की हूँ। अब इसमें मैं देखिए जीरे का फ़ोरन दे रही हूँ। तो तेल मेरा अच्छा खासा गर्म हो चुका था, धुआं आ रहा था, तो मैंने जीरा डाला। अब यहाँ पे मैंने 2-3 तेज पत्ते ऐड करे हैं, इसको मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। तो यहाँ गोल्डन ब्राउन हो चुका, अब मैं इस स्टेज पर देखिए यहाँ लहसुन ऐड कर रही हूँ। तो लहसुन को भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा खाली कुछ सेकेंड के लिए। उसके बाद हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी उसे ऐड कर दूंगी। तो यहाँ देखिए हरी मिर्च मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने परवल जितनी थी सबको ऐड कर दिया है, डाल दिया है यहाँ पे। अब हम इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक बिना नमक डाले इसको फ्राई कर देंगे। स्टार्टिंग में नमक डालने से क्या होता है कि पानी छोड़ देता है, फिर सब्जी ये हो जाती है, उतनी अच्छी फ्रेश दिखती नहीं। वैसे आप डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी बनती है, मगर मैं थोड़ी देर बाद इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ देखें, यहाँ पे हल्का सा देखिए परत आ रहा है, तो इसको हल्का सा और मैं फ्राई कर चुकी है। अब इस स्टेज पे आलू मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे इसको भी 1-2 मिनट मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी ढक के। तो जब ढक के, यहाँ पे देखिए मैंने ढक के इसको फ्राई कर रही हूँ चला चला के। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर ही पकाए, लो फ्लेम पर नहीं, ना हाई फ्लेम पर पकाए, सब्ज़ी तुरंत जल जाएगी। इसको मीडियम फ्लेम पर मैं चला चला के इसी तरीके से पका रही हूँ बार बार, आप देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दूंगी, स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सब्जी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको बार बार चला रही हूँ। देखिए यहाँ पे आलू जो है मेरा ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। तो इसी स्टेज पे जब आलू लगभग पक जाते हैं तब इसी स्टेज पे देखिए मैंने हल्दी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और जीरा पाउडर यहाँ मैंने थोड़े थोड़े लिए हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसको ऐड कर दूँगी यहाँ पर। तो देखें यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको चला के, इसको ढक के एकदम लो फ्लेम पे अब हम इसे पकाएंगे, क्योंकि मसाला तुरंत जल जाएगा, ड्राई पाउडर है सब, तो वो जलने का तुरंत चांस हो जाता है। इसीलिए इसको लो फ्लेम पे एकदम ढक ढक के इसको हम 5 से 7 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे, ये तुरंत कुक हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से चला चला के हम इसको बार बार पकाएंगे और ढक ढक के। देखिए यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट सब्जी तैयार हो गया है। अब इसको मैंने धनिया से गार्निश कर दिया है, तो अब मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा सब्ज़ी तैयार है। ये बनने में बहुत आसान से बन जाता है, इसको कोई भी बना सकता है, बहुत इजी तरीके से बनता है। इसमें कोई झंझट नहीं है मसालों का कि ज़्यादा मसाले चाहिए, इसमें नॉर्मली बेसिक मसाले जो होते हैं वही चाहिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।